नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आज अजीन नारनौंद में, और आपको पता होगा भाई, आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है और हाईस टेक्नोलॉजी से हर कोई जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर यूट्यूब चैनल देखते हैं जी, अगर कोई भाई यूट्यूब चैनल चलाता है तो नारनौंद के आसपास एरिए के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो कोई भाई अगर यूट्यूब चैनल चलाता है, उसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो नारनौंद वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे साथ हैं बलराज लोहान जी, जो यूट्यूब चैनल में अगर किसी भाई को कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, तो आप बलराज लोहान जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इनसे बात करते हैं और ये क्या क्या जानकारी यूट्यूबरों को देना चाहते हैं। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी सारे दर्शक भाइयों ने। देखो, आजकल क्या है कि कमाई का साधन ज़्यादा नहीं रहा, और बच्चे सोचते हैं भाई हम यूट्यूब पे कमाई करने की सोचते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, व्यूज नहीं आते स्टार्टिंग में, थोड़ा वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं देख पाते वो अपने यूट्यूब चैनल पे, चाहे वो गेमिंग का हो, चाहे वो व्लॉगिंग का हो, चाहे वो एजुकेशन से हो। तो उसमें एक सेकंड रुको जी। हाँ। देखो, सबसे क्लोजअप बात ये बता देते हैं भाई, देखो दिक्कत क्या है। देखो, हर चीज़ के रूल और रेगुलेशन होते हैं जी। अब शुरू में अगर कोई चैनल चलाता है ना, तो उसको भी पता नहीं होता अभी किस तरह के रूल है, रेगुलेशन है। तो सब चीज़ों की अगर जानकारी ना बिल्कुल बारीकी से बलराज लोहान जी बता सकते हैं। तो अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ पुराने भी हैं बहुत सारे, मतलब 5-6 साल से चैनल बना रखा है लेकिन उनका ना तो मोनेटाइज हुआ है, ना उनको कोई अर्निंग हो रही है, और कई तो बीच में मतलब छोड़ देते हैं चैनल को कि भाई इससे कुछ होता तो है नहीं, कोई हमें देखता नहीं, कोई हमें मतलब निराशा हाथ लगती है। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं, अगर वो उसको पता हो जाए, पता लग जाए, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो कितने टाइम की होनी चाहिए, कब डालनी चाहिए, किस तरीके के टैग जो उसके मतलब चैनल के हिसाब से अच्छे लगते हैं कि भाई कोई आदमी सर्च करे तो वो उसका वीडियो उसके सामने आ जाए। लेकिन ज़्यादातर को पता नहीं होता और वो चैनल बना के और अपना चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, कोई व्यूज़ नहीं आते, तो समस्या तो हो जाती है। देखो, ठीक है, तो हमने इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर है ना केस स्टडी किया कि भाई मतलब अगर 100% नहीं लगा के चलते, आप 50% लगा के चलो भारत में, तो चैनल बना लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या होता है, 40-45% लोग इसको बीच में छोड़ के चले जाते हैं। वो 5% में से भी जिसका मोनेटाइज हो गया लेकिन अर्निंग नहीं हो रही, उसमें से भी आप ये मान के चलो 3% ये हो गए, तो बच गए आपके 2-3% बच गए, वो कामयाब हो जाते हैं या अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका चैनल ग्रो होने लगता है जिनसे उनको फायदा हो जाता है। लेकिन अब मैंने जो केस स्टडी की है उसके अंदर हमने ये चीजें पाई हैं कि भाई बिना ज्ञान के, जो उनको पता नहीं होता वीडियो कैसे डालनी होती है, उसके अंदर क्या क्या लगाना होता है, किस तरीके के टैग लगाने होते हैं, ये चीज़ें उनको नहीं पता होती। उनको बता दिया जाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, उनको वो बता देते हैं कि आप इस तरीके की वीडियो डालोगे तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आप इस तरीके से थंबनेल बनाओगे तो इस तरीके से व्यूज़ नहीं आएंगे, उनको डरा देते हैं। जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो नए होते हैं, जो छोटे होते हैं, मतलब जिनके 500-700 सब्सक्राइबर हो गए, उसमें खुश रखते हैं वो, तो उनको वो डरा देते हैं। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक छोटा नया यूट्यूबर भी अपना चैनल ग्रो कर सकता है। बस हमारे टिप्स होते हैं कुछ, अगर उनको मान के चलता है तो हम गारंटी देते हैं कि उसका चैनल मोनेटाइज होने से और उसको यूट्यूब से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप जिस तरह आप बता रहे हो जी, आज तक आपने कितने एक चैनलों को इन समस्याओं का समाधान बताया है या फिर आपके पास यूट्यूबर पहुंचे हैं जी? देखो, मैंने ये काम स्टार्ट किया था अपना 2 साल पहले। अच्छा जी। उसमें मैंने मतलब ये लगा के चलो 1000 चैनल के करीब चैनल मोनेटाइज करवा चुका हूँ,
और अभी भी ये सेवा आगे आगे मैं सभी को अपने यूट्यूबर भाइयों को देता रहूँगा। और कोई भी निराश ना हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है बेफिक्र पूछे, हम जो अपना नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और कोई भी किसी भी तरीके की समस्या अगर आपको आती है तुरंत फ़ोन कीजिए, तुरंत आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल जी, हम भी यही बताते हैं और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप जब भी चाहे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई भी समस्या है या कोई भी दिक्कत है या फिर आगे के लिए भाई कोई अच्छी जानकारी चाहिए, भाई हम वीडियो को कैसे डालें या कैसे थंबनेल लगाएं या फिर उसके अंदर कौन से कंटेंट हम ऐसे जोड़ेंगे भाई जिससे आपका चैनल ग्रो करे, आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, तो आप बलराज लोहान जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई जानकारी दर्शक, बिल्कुल देखिए, आप YouTube चैनल बना लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप किस तरीके का YouTube की वीडियोस किस तरीके की डालेंगे आप, तो इससे भी बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है उस टाइम पे YouTube चैनल, जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है और आप वैसे ही वीडियो बना रहे हैं। एक पर्पज होता है, एक नीश होती है कि आप किस बेस के ऊपर, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोई एजुकेशन लाइन में अच्छा है तो उसको एजुकेशन लाइन का ही यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। अगर कोई बाहर ज़्यादा घूमता फिरता है तो उसको वीलॉगिंग करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई मोबाइल्स नए आ रहे हैं, गैजेट्स नए आ रहे हैं, उनके रिव्यू करता है या उसको जानकारी अच्छी है उस चीज़ में, तो उसके रिव्यू देने चाहिए, तो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से चैनल बनाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई भी मतलब चैनल बनाया, चैनल का नाम रख दिया आपने अपने नाम से और लोगों को पता ही नहीं कि आप वीडियो में दिखाना क्या चाह रहे हैं। कई लोगों की समस्या होती है बिना जानकारी के, वो समझते हैं कि भाई ये हम ऐसे कर लेंगे और हमें ये नहीं आता, मतलब आधी जानकारी शैतान का घर होती है। बिल्कुल ठीक है ना, तो उसके अंदर अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक मान लो दुकान खोलते हो, उसमें आप सामान डालते हो, आपने खोल ली हार्डवेयर की और आप टॉफियां बेचते फिरोगे तो मतलब क्या होगा, हार्डवेयर का सामान नहीं बिकेगा, उसमें टॉफियां बिकेंगी। बिल्कुल ठीक है ना, तो यूट्यूब भी आपकी एक दुकान की तरह ही है। आपने क्या करना है, आपने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई पैसा नहीं लगाना है उसमें। आपने क्या करना है, उसमें आपने अपने जो आप ये सोचते हो कि मेरे को ये काम आता है, तो आप उसी काम को उस वीडियोज में डाल दो, बस जान आ जाएगी उस वीडियो में और आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे नहीं मिल रहे हैं, तो हम देंगे उसको, हम अपनी जिम्मेवारी पे लेंगे और गारंटीड हम उसका चैनल मोनेटाइज करके देंगे, जिससे वो अपनी वीडियोस को और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। क्योंकि मोनेटाइज नहीं होता, पैसे नहीं आते, तो लोग सोचते हैं भाई क्या करेंगे, निराशा हाथ लगती है। लेकिन अगर हम चैनल मोनेटाइज कर देते हैं तो खुशी होती है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो गया, अब हम और अच्छे से काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो मतलब निराशा हाथ होती है ना, उसका कहीं ना कहीं देखो अर्निंग जरूरी नहीं है कि भाई स्टार्टिंग से ही आप लोगों को इतने पैसे आने लग जाएंगे, भाई वो स्लोली 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 आराम आराम से आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं भाई, आपका खर्चा पानी या फिर लोग आपको इस स्टेज तक पहुंचा सकते हैं भाई, आप ग्रोथ कर चुके हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि मतलब एकदम से अर्निंग नहीं होती है, धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ पे ऐड आती हैं, उनसे आपको यूट्यूब पैसा देती है, ठीक है। तो एकदम से तो नहीं सोच सकते आपकी अर्निंग होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम चलता रहेगा, आपने क्या करना है, एक रूटीन बनाना है। जैसे आप खाना खाते हो, नहाते हो और बाहर भी घूमने जाते हो, अपने घर का भी काम करते हो, तो ऐसे ही इसको भी एक मेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जैसा काम मान लो आप, कि डेली रूटीन में हमने वीडियोज डालनी है। चाहे आप 2 मिनट की डालो, चाहे 2 घंटे की डालो, उससे मैटर नहीं करता। आपकी वीडियो लेंथ का इस चैनल ग्रो से कुछ मतलब नहीं होता, लोग बता देते हैं भाई 2 मिनट की डाल लिया कर, नहीं तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 2 घंटे की डालो, लेकिन कॉन्टेंट आपकी नॉलेज का डालो, ये ठीक है ना। ये नहीं है कि आप हार्डवेयर की दुकान खोल के बैठे हो, टॉफियां बेचने लग जाओ, परचून की दुकान बना दो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ज्ञान है हार्डवेयर का, तो हार्डवेयर की चीज का उस वीडियो में गुणगान करो, मतलब बताओ लोगों को कि हम ऐसे इस तरीके से इस चीज को इस तरीके से नहीं बना सकते, आप इस तरीके से बनाओ, अपनी नॉलेज डालो उस वीडियो के अंदर, अपना पूरा एक 100% दो उस वीडियो को, ताकि लोगों को कुछ नई चीज मिल सके,
उससे सीख सकें, उसको बता सकें, उसको अपने जीवन में उतारें और एक नया मतलब नई शुरुआत कर सकें। कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो YouTube की वीडियो से देख के ज्ञान लेते हैं। तो YouTube की वीडियो ज्ञान कहाँ से लेते हैं? ऐसे ही लेते हैं, वही लोग लेते हैं जिनको कम ज्ञान होता है, पता नहीं होता है, कम ज्ञान होता है। तो सीख सीख के लोग सीखेंगे, व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो आपको अर्निंग होगी। देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का। मेहनत आप जिंदगी में भी करते हो, काम करते हो, कहीं नौकरी लग रहे हो, कहीं आपका खुद का काम धंधा है, कहीं आप नौकरी कुछ भी करते हो, मेहनत देखो हर जगह है। इसमें आपने सीमेंट का कट्टा नहीं उठाना, तसला नहीं उठाना, ठीक है, इसमें आपने कोई मेहनत नहीं करनी। खेती में भी खेती में जितनी मेहनत होती है उतनी तो किसी काम में मेहनत नहीं होती भाई, ठीक है। तो घर वाले कह देते हैं ना कि नहीं पढ़े लिखे तो तने खेती में ला देंगे या तने मजदूर बना देंगे, ठीक है। देखो, अपना काम सबको प्यारा होता है, ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा, लेकिन आप अगर YouTube के ऊपर आए हैं तो देखो ये मत समझ के आना कि भाई मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, अपना 100% देना पड़ेगा। जितना टाइम आप किसी की जॉब में दोगे उतना टाइम, अगर उससे अगर आप एक घंटा भी अगर आप वीडियो में दे देते हैं ना तो आपकी वीडियो ग्रो करेगी ही करेगी, ये मेरा मानना है। लो जी, ये गुरुजी हैं और आप इन ते सीख चुके हो, सुन भी चुके हो और आगे सीख भी जाओगे। तो किसी भी तरह के अगर चैनल में, मोनोटाइजेशन में, वाचिंग आवर में, भाई थंबनेल में और भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, अगर किसी तरह की भी दिक्कत है तो हम डिस्क्रिप्शन में लोहान साहब का नंबर दे रहे हैं, आप जब भी चाहे इनसे फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे मिल भी सकते हैं जी। एक और बात बोलनी है, हाँ, देखिए किसी भी तरीके की झिझक और आशंका मन में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बच्चा है, कोई भी बड़ा है, कोई भी बूढ़ा है, जिस किसी के मन में भी आ सकती है कि YouTube चैनल पे, तो सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी मतलब कोई छोटा बच्चा भी ये बोलते मैंने चैनल बना दिया है अब क्या करें, तो मैं उसकी भी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। एक होती है जैसे फ्री मोनेटाइजेशन और एक होती है पेड मोनेटाइजेशन, जिसका ये लगता है भाई चैनल ग्रो होने वाला है उसको हम और फ्री में टिप्स देते हैं फिर तो। बिल्कुल, अगर जिसका चैनल मतलब ये होता है कि भाई ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, बिल्कुल हल्के फुल्के व्यूज आ रहे हैं, 1, 2, 5, 10 व्यूज आ रहे हैं और चैनल मोनेटाइजेशन में ज़्यादा समय लगेगा, तो उसके लिए हम पेड मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन रखते हैं, ताकि ज़्यादा पैसे ना दे के कोई बच्चा, मतलब क्या होता है आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चला हुआ है भाई, जिसमें क्या होता है कि पैसे ले लेते हैं चैनल मोनेटाइजेशन के नाम पे और मोनेटाइज नहीं करते, उस बच्चे के पैसे मार लेते हैं भाई, ठीक है। हम अपनी गारंटी देते हैं, चाहे आप, मैं नारनौंद का हूँ, आप कभी भी अगर आपने पैसे दिए और मैंने घोटाला कर दिया तो आप मेरा गढ़ पकड़ सकते हो आके, ठीक है। अगर मैंने सही काम किया है तो आपको लगेगा कि आपके चैनल के ऊपर सही में हमने काम कर रखा है, ठीक है। और जिसका भी चैनल अगर मान लो कुछ किसी कारणवश मोनेटाइज नहीं हो रहा है, या कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ रही है, या किसी भी तरीके से आपने गलती कर दी, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, उसको भी हम मोनेटाइजेशन कंप्लीट करके देंगे, ये हमारा पक्का वादा है आपसे, ठीक है। लो जी, गाइडलाइंस की बात कह दी है, एक छोटी सी गलती मारे हुए भी हो गई थी तो उसकी समस्या का भी समाधान बलराज लोहान जिया ने बताया था भाई, गाइडलाइंस आएगी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सको हो, तो बलराज जिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। आपका भी धन्यवाद जी, और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सब्सक्राइबर्स का, कि आपने इतना हमारा ज्ञान सुना। थैंक यू वेरी मच जी।